एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर स्टेइंग सेफ एंड हेल्दी। आज हम बात करने वाले हैं ट्रस्ट के बारे में। एंड बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी यू नो इन माय प्रीवियस वीडियोस। एंड प्लीज 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 ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, एंड इट गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज फॉर यू। सो हम आज बात करने वाले हैं ट्रस्ट की। यस, काफी भारी भरकम वर्ड है ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा, फेथ, राइट? बट गाइस, आजकल ये बहुत देखने में आ रहा है, एंड दिस इज द ओनली रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे। आजकल क्या होता है, हम ना किसी पे विश्वास करते हैं और द अदर पर्सन स्टार्ट्स टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड ओनली बिकॉज वी यू नो ट्रस्ट और वी यू नो बिलीव दैट पर्सन टू मच और मे बी समटाइम्स मोर देन आवरसेल्व्स। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं यहाँ पे आज आपको आपके साथ शेयर करना चाह रही थी वो यही है कि हाँ, ट्रस्ट किसी भी रिलेशन की, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, लव रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, बी इट एनी रिलेशनशिप, सब रिलेशंस की बुनियाद है ट्रस्ट। एंड अगर ट्रस्ट किसी रिलेशन में नहीं होगा तो दैट 100% श्योर कि वो बिल्डिंग कलैप्स होएगी होएगी। बट ओवर ट्रस्ट करना भी इक्वली हार्मफुल है आज के टाइम में, ठीक है ना? तो प्लीज 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 ट्रस्ट कीजिए, बट डू नॉट ओवर ट्रस्ट एनीबडी दैट यू नो द अदर पर्सन स्टार्ट्स टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। आज मुझे एक चीज याद आ रही थी, धागा होता है, धागे को अगर खींचो तो धागा टूट जाता है, राइट? उसको आप नॉट बांध कर धागे को वापस एक तो कर लेते हो, बट क्या वो उतना मजबूत रहता है? नहीं, नहीं रहता ना। और ट्रस्ट का भी यही हाल है। ट्रस्ट अगर इट टेक्स इयर्स टू बिल्ड ट्रस्ट, ये तो सबको ही पता है, कोई अननोन बात तो है नहीं। ट्रस्ट बनने में सदियां लग जाती है, बट ट्रस्ट टूटने में सेकेंड्स लगते हैं गाइस, भरोसा टूटने में सेकेंड्स लगते हैं। तो प्लीज 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 किसी को यू नो किसी का ना तो भरोसा तोड़िए ना विश्वास तोड़िए, और कोशिश कीजिए कि किसी को इतना हक ना दीजिए कि यू नो द अदर पर्सन यू नो वो भी आपका विश्वास तोड़े। क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना, विश्वास टूटता है, तो बहुत जोर से दिल को धक्का लगता है। यस, पर दिल टूटने की आवाज नहीं होती है तो पता नहीं लगता। एंड हियर आई वुड लाइक टू गिव यू अनदर एग्जांपल। एक पेपर, प्लेन पेपर ले लो या कोई भी पेपर ले लो, पेपर को ऐसे क्रश कर दो, ठीक है? आप क्रश करोगे, उस पेपर को खोलोगे, मे बी वो पेपर फटेगा नहीं, बट अगर आप चाहो तो क्या आप उसके अंदर जो सिलवटें आ गई हैं वो निकाल पाओगे? कभी नहीं ना, वो नहीं निकल पाती है। हाँ, कई बार कोई मुझे कहेगा आयन भी कर लो, बट आयन से भी वो नहीं निकल पाती है। तो भरोसे का भी यही हाल है, अगर कहीं विश्वास टूट गया या आप कहीं चूके दूसरे के विश्वास को यू नो बनाए रखने में, तो पता क्या होगा, जब आप नेक्स्ट गलती करोगे, और मे बी शायद कई बार नेक्स्ट गलती नहीं भी होती, बट कई बार मजबूरी हो जाती है, राइट? कि कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी रीजन, आप लेट हो गए, आप कहीं अटक गए, बट जो दूसरा बंदा है ना, वो उसके शक की सुई वापस उसी मीटर पे आएगी, क्योंकि वो भरोसा, मेरे कारण वो सिलवटे पेपर से नहीं निकलती है। वो जितना मर्जी वापस भरोसा बनाने की कोशिश कर लो, 0.1% शक जहां घर कर गया ना, वहां वो ठीक नहीं होता है। एक चीज और मुझे यहाँ पर आज मेंशन करनी थी, क्योंकि हम ट्रस्ट के बारे में आज बात कर रहे हैं। ये भी मैंने बहुत बार देखा है कि किसी रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है, बट यू नो ईदर ऑफ द टू, चाहे मेल चाहे फीमेल, वो चाहते हैं कि हम इस रिलेशन को रखें, ये मेरे साथ रहे, मेरे साथ रहे। तो ऐसा नहीं होता है। अगर एक बंदे को आप पे ट्रस्ट नहीं है, या आपके सामने, आपको आपने आपके सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं है, हो सकता है आप उनको खींच कर उस रिलेशन में बांध कर रख ले, बट विल दैट रिलेशन बी दैट स्ट्रॉन्ग? नहीं, ना तो वो रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, ना वो हार्मोनियस रिलेशनशिप होगा, ना वो हैप्पी रिलेशनशिप होगा। So you need to understand this, and you need to understand this very clearly, कि अगर कोई relation में trust नहीं है, and the other person wants to leave you, or maybe wants, he doesn't want to stay with you anymore, please, 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 उस बंदे को आजाद करो, उस बंदे को जाने दो, या फिर आपके relation में आप वो हो सकते हो, तो please आप उस relationship से बाहर निकलो। क्योंकि जहां पे ट्रस्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी बिल्डिंग ठक 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 करके गिरेगी ही गिरेगी। वो रिलेशन को भी आप जितना मर्जी
उस खत्म हुए पौधे को मुरझाया भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुरझाए पौधों को तो पानी देने में, देने के बाद वो फिर से फ्रेश वो हो जाते हैं, खिल जाते हैं ना। बट जो रिलेशनशिप, जो पौधा खत्म ही हो गया है, उसको पानी देने से वो वापस रीग्रो करेगा? नहीं करेगा। सो आई होप मेरी ये चारों चारों बातें जो है वो आप ध्यान में रखोगे, एंड आपको यू नो आप इन बातों को फॉलो करोगे, एंड आई एम श्योर यू लाइक दिस वीडियो एज वेल। सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दिस लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, एंड डू कमेंट ऑल्सो गाइज। कभी कभार कमेंट कर दिया करो, बता दिया करो, अच्छी लगी बुरी लगी। अच्छे कमेंट्स क्या और करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, बुरे कमेंट्स से सीखने को मिलता है। तो प्लीज 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 कमेंट्स करा करो, भर भर के लाइक करो, शेयर करो, और आई सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।